सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग इसके ऊपर है कि उस दिन जो दिहाड़ी मजदूर का हम मदद किए थे वो आए हैं पैसा रिटर्न करने, तो उनसे बात करते हैं क्या हुआ और उनका लाइफ अब कैसा चल रहा है, मतलब उनका काम कैसा चल रहा है। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, काफ़ी मज़ेदार होगा। हम लोग एक अच्छे कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखेंगे। कि आपको भी नमस्ते बोल रहे हैं, इनको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं हम लोग और बात करते हैं कि क्या बात है। तो पूरा देखिएगा, काफ़ी रोचक होगा और एक अच्छा मुद्दा हम लोग आज फिर से उठाए हुए हैं ब्लॉग के जरिए। आप लोग से कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें सबको बताई जाए, तो वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए। प्यार दिख नहीं रहा आप लोगों का, पूरा प्यार चाहिए। या आज यहाँ पे क्या मतलब, कुछ काम? हाँ, अभी सभी काम चल रहा है, मैं अभी डेली काम चल रहा है, नाइट में भी काम है। अच्छा, नाइट डे दोनों दिन कर रहे हैं। अच्छा, आप काम क्या करते हैं आज ये बता दीजिए, मतलब जो आप डेली वाला काम करते हैं वो किस चीज के ऊपर और क्या काम करते हैं? कट्टा उठाते हैं। कट्टा मतलब बोरा? बोरा अनाज वाला, क्या जो दिखा है एटी के बगल में? अलग अलग भी मिलता है, कभी कट्टा गेहूँ का रहता है, चावल का रहता है, कभी सीमेंट का रहता है। अच्छा, इस प्रकार वाला। तो भैया का मतलब है कि कट्टा मतलब बोरा उठाते हैं, मतलब मजदूर वाला ही काम है। तो आज यहाँ पे इधर ही काम था, तो आपका हम मदद किए थे, तो आज आपको पैसा हम बताएंगे। पैसा तो हम लेंगे नहीं, आप रखिए इसको और कुछ बताइए। काम बढ़िया चल रहा है? हाँ, काम तो अभी रेगुलर है, लेकिन उधर रेगुलर काम मिल नहीं रहा भैया। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए? मेरे पास तो फिलहाल काम देख ही रहे हैं कि मिलेगा भी तो चाइनीज का है, तो इसमें वो नहीं लगता है कि आपसे हो पाएगा। खाना वाना बना लेते हैं। खाना बना? दाल भात मछली चावल? तो भैया खाना का दुकान नहीं है, चाइनीज इंडियन तंदूर का है। मान लीजिए थोड़ा बहुत आता भी है आपको तो टाइम देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? मतलब परेशानियाँ इसमें भी आएंगी आपको उतना ही, अभी हमको वैसा कुछ तो जरूरत है नहीं। लेकिन मेरा स्टाफ कुछ दिनों से नहीं आ रहा है, तो हम खोज भी रहे थे एक हेल्पर, ही अभी तो हम खुद ही से बना रहे हैं, तो सोच रहे खुद ही से बनाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। हम सोच रहे हैं कि एक दो को मतलब एगो को हायर करें। तो आप आए हैं अच्छे टाइम पे आए, देखिए कुछ भैया से बात बात होगा, भैया हैं बात होता है तो बात करके आपको बताएंगे। ऐसे प्याज व्याज काट देंगे भैया, प्याज काटे आता है, प्याज व्याज काट दीजिएगा। जैसा कि बता रहे हैं कि प्याज व्याज काटने आता है, काम मांग रहे हैं, सोच रहे हैं कि चाय बना लेते हैं। चाय 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 बिकता है? हाँ, चाय बेचते हैं, चाय कॉफी बेच, कॉफी बनाइएगा? हाँ, कॉफी आता है, बना लीजिएगा ना। कॉफी सिंपल है, पत्ते को बना आता है, तो कॉफी चाय कॉफी बना देंगे, प्याज व्याज काट देंगे, बर्तन उर्तन भी मांजे पड़ जाएगा, बर्तन धो दीजिएगा ना। काम तो इनको रख लेंगे, झाड़ू उड़ू झाड़ू पोछा है, मतलब दुकान है, इसको साफ सफाई रखना है, कटिंग उटिंग में मदद करना है। बनाने के लिए हम आपको सिखा देंगे, आपके पास एक और हुनर हो जाएगा। मान लिया जाए आप यहाँ नहीं करते हैं, आप सीख लेते हैं कहीं और भी कीजिएगा, तो जो दिहाड़ी मजदूर वाला काम आप करते थे, मतलब जिस पे आपको पैसा नहीं आता था, उससे अच्छा पैसा इसमें आ जाएगा। इसमें आपको रेगुलर मंथ पे कहीं भी काम कर सकते हो, अच्छा पैसा आ जाएगा, इतना तो इसमें कन्फर्म है। अगर करिएगा सब कुछ पसंद है तो बोलिएगा, हम आपको रख लेंगे। सैलरी का मतलब महीना का लीजिएगा, 500 रुपये दे दीजिएगा। 500 तो भैया ज्यादा हो जाता है, मतलब आप अभी हेल्पर हैं, नए हैं, हम आपको सिखाएंगे भी, और 500 रुपये अभी आपको उतना वहाँ कितना हो जाता है डेली? 500 400 500 डेली आपको वहाँ मिल जाता है? हाँ, 500 में डेली अभी स्टार्टिंग में ज्यादा है, मतलब मेरे पास जो सेफ था उसका सैलरी हम 500 देते थे। आपके लिए आपका मजबूरी देख के हम बस इतना कर सकते हैं, खिला पिला के हम आपको 350 रुपये खिला पिला के दे देंगे, आप क्या बोलते हैं? ठीक है, कर लीजिएगा ना। हाँ, काम सारा बता दिए हैं, यही काम है, कटिंग उटिंग करना है, कस्टमर को सामान उमान देना है, और यही कटिंग मेनली कटिंग साफ सफाई, और उसके बाद धीरे धीरे तो आप देखते देखते सीख ही जाएगा, खाना बनाने आता है तो
एक अच्छा ऑनर भी हो जाएगा। हम मछली अच्छा बना लेते हैं, मछली अच्छा बना लेते हैं। तो आप लोग आइए कभी भैया, आप पूरा खड़े हैं, मछली टेस्ट कीजिए, मछली बोल रहे हैं काफी अच्छा बना लेते हैं, आइएगा जरूर कभी। देखिए बोल रहे हैं सब, आप भी बोल दीजिएगा एक बार, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। मतलब अभी आप घर जा रहे थे कि मैं भी नाइट काम मेरा लगा हुआ है जो नाइट काम है। तो अभी यहाँ पर अभी एक घंटा का छुट्टी मिला हमें, खाना खाने का एक घंटा का छुट्टी मिला, तो डे नाइट दोनों कर रहे हैं। आँख भी पूरा लाल हो गया है जी आपको, अब सोना दो तीन घंटे का सोना होता है। दारू उड़ू भी पीते नहीं, नहीं नशा कुछ नहीं करते, नहीं वहाँ मिलता है अभी, नहीं खाली खैनी वाला नहीं, खैनी खैनी खाते हुए बस, खैनी खाते खाली खैनी दारू वारू नहीं। तो अभी जाइएगा फिर काम कीजिएगा। हाँ अभी 12 बजे से काम लग गया हमारा, सुबह 8 बजे तक का काम। अब फिर सुबह मतलब सुबह वाला काम, अभी तो मान लीजिए रात का शिफ्ट हो गया। हाँ, सुबह वाला कब से होता है? सुबह फिर लगेगा 8-2 घंटा रेस्ट मिलेगा, 10 बजे से 10 बजे 8 के बाद 2 घंटा रेस्ट, 10। तो ये नाइट डे दोनों अभी कर रहे हैं, मतलब इनको जरूरत होगा, काफी टफ है। हम लोग ही अगर एक दिन जग जाते हैं तो काफी ज्यादा थकावट लगता है, और हमको लगता है कितना दिन से आप डे नाइट कर रहे हैं? अभी इधर काम तो इधर रेगुलर लगा है, और 5-6 दिन से रेगुलर काम लगा हुआ है। डे नाइट दोनों, डे नाइट दोनों 5-6 दिन से कर रहे हैं। प्रेशर है क्या कि डे नाइट कर रहे हैं? हाँ काम अभी मजदूर भी काफी लोग नहीं है, घर चले गए हैं, कम है। आप भी मतलब सोच रहे हैं कि जितना दिन काम है करके पैसा बचा के रख लेते हैं, डेली काम मिलता नहीं है, मिल रहा है तो फिर डे नाइट करते। आपका भी सोच अच्छा है, मतलब देख सकते हैं बहुत ज्यादा मुसीबत में, इनको हम काम पे तो रख लेंगे। मतलब आप डेली आइएगा और जाइएगा यहाँ से। हाँ। तो हम बोल रहे हैं आप रह जाइए, हम मेरे पास रूम भी, हम पहले वाले स्टाफ को रूम दिए हुए थे, आपको हम खाना पीना रहना सब दे देंगे, और 350 जोड़ के डेली का हम आपको महीना में दे देंगे, 10,500 के लगभग हो जाएगा, लगभग होता है। तो आप बोलिएगा तो महीना में ही दे देंगे, या फिर जैसे आप बोलिएगा। नहीं ये 10 दिन पे दे दिया, घर पे राशन भी देना होता है, 10 दिन का राशन एक दिन रख देते हैं। खांसी अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं, थोड़ा थोड़ा सी आराम नहीं है ना, हो ही रहा अभी, पहले से थोड़ा आराम, पहले से थोड़ा आराम, पहले से थोड़ा। तो 10 दिन पे आप पैसा लेके जाइएगा? हाँ 10 दिन पे, संडे को खुला रखते हैं, खुला हमेशा रहता है, आप नहीं भी रहिएगा तो खुला रहेगा, और छुट्टी आपको बता के ही लेना होगा, और बता के नहीं लीजिएगा तो काफी प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि बता के ही ले, और एक डे आपका फिक्स रहे कि आप उसी दिन पे छुट्टी ले। हाँ पूछ रहे थे भैया कि अभी आपका मतलब डे नाइट मिला के काम करते हैं तो वहाँ कितना आमदनी हो जाता है? नाइट का अच्छा पैसा मिलता है। नाइट का क्या मिलता है? नाइट का पर कट्टा मिलता है 5 रुपए पर कट्टा, मतलब डबल हो जाता है ऐसे 2 रुपए में, ऐसे मतलब अच्छा तो नहीं है कहेंगे आपके हम लोगों को अकॉर्डिंग से, पर हाँ ठीक मिलता हो। तो यहाँ पे तो नाइट में हमारा चलता नहीं है, वही है, पर हाँ रेगुलर रहेगा काम आपका, मंथली फिक्स रहेगा। हमको लगता है जितना आप उधर से कमाते हो वो तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 8 दिन काम है, 15 दिन बैठ जाएंगे। अच्छा फिर तो मेकअप हो जाता है, तो यहाँ पे रेगुलर रहेगा, हम सिखा देंगे सारा कुछ। अभी खाना वाना खाने आए थे? हाँ खाइएगा कुछ, चाउमिन खिला देंगे आज की, पैसा रख लीजिए आप अपने पास ही, पैसा क्या बोल रहे हैं भैया? हेल्प तो कर दीजिए, क्या बोल रहे हैं? ठीक है अच्छा रख ले, कि आज का मतलब इनको कल से ही, कल से आइएगा, कब से आइएगा? कल से आप एडवांस रखिए जाने आने का पैसा समझ के, ये मेरा एडवांस है, मतलब आप कल से आप मेरे लिए काम करेंगे, आप आइएगा, कटिंग पटिंग जो भी होगा फिर कल लोगों को भी दिखाएंगे, आप आए हैं कौन टाइम पे आए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, तब लोगों को भी लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, और वो भी किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, होगा चलता रहेगा, साइकिल बना रहेगा, अब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते रहे। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है आपका 10 बजे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, शॉप खोलते हैं, मतलब दुकान खोलते हैं 10 बजे से, और अभी 12:30 आप देख भी किए हैं, उस दिन भी आए हैं, तो लगता है आपको पहुँचाते पहुँचाते
बारह साढ़े बारह एक बज ही गया था, तो वही टाइमिंग है साढ़े बारह बारह लास्ट टाइम। अभी आप आए हुए हैं तो बैठे हुए, न तो दुकान बढ़ाना स्टार्ट रहा था। ठीक है, टाइम पे आ जाएंगे तो आप टाइम पे आइएगा, आपको तो रूम दे देंगे हम बगले में, आप खाली जाइएगा तो टाइम पे आइएगा, बाकी तो आप यही रहिएगा। हाँ, आप आराम से अपना आइएगा, शॉप पर दुकान का चाबी हुआ भी रहेगा, आप अपना के लिए एक आधार कार्ड दे दीजिएगा। आप बोल रहे हैं कि आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा? नहीं, काम पकड़ते हैं तो नहीं, घर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बिजी है ना, तो आंगनबाड़ी में बेटा पढ़ता है मेरा, उसको पहुँचा के वापस सिलाई मशीन का काम करती है। अच्छा, मतलब आपकी जो मिसेस है वहाँ सिलाई उलाई का काम करती है? अच्छे से ट्रेनिंग सीखी है। सीखी है? हाँ। कहाँ पे सीखी थी, कोई सरकारी केंद्र में क्या? हाँ, यहीं पे मतलब तो बोल रहे हैं कि ठीक है, तो फिर कल से आइए, पैसा हम आपको दे दिए हैं। दस दिन पे आप बोले पैसा लेने के लिए, दस दिन ले लीजिए, कल खाली आधार कार्ड लेते आइएगा, घर पे एक बार बोल दीजिएगा सब कोई को, कोई घर पे का भी आप हमको एक नंबर दे दीजिएगा, मतलब आपके हैं कोई फैमिली में? आपसे बड़े ये घर पे रहता है क्यों फोन एक एक फोन है जो घर पे रहता है कीपैड वाला? हाँ, तो पैकिंग चाउमीन आप पैक करना, पैक हो गया, पूछ रहे हैं भैया जाते जाते को, और बात आपसे पूछ ले रहे हैं कि आप परिवार वाले हैं तो काम कीजिएगा, रहिएगा मेरे पास, तो आपत्ति हो सकता है बाद में, ऐसा नहीं कि हम रखे आप छोड़ के भाग गए तो भैया ये बहुत गलत काम। बीच बीच में आते जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और कंफर्म आप बात कर लीजिएगा, काट लेंगे तो भैया को हम कार्ड आज तो दे नहीं पाए थे, आज दे देते हैं तो हम अपना कार्ड दे देते हैं इनको, मेरा नंबर है तीनों, तीनों में से किसी पे भी कॉल कर दीजिएगा और कंफर्म बता दीजिएगा, करना है ना कंफर्म? हाँ, करना है इनको काम कंफर्म, तो कार्ड है आप बता दीजिएगा, जब आपको कल जब भी मतलब 10 बजे आना है तो जब भी आपको, अच्छा अभी तो आप जा रहे हैं तो सुबह 8 बजे तक कीजिएगा, तो घर कब जाइएगा उसको कब बताइएगा? अभी तो सुबह ही में अभी जाएंगे तो फिर कॉल कर लेंगे ना। अच्छा, घर पे कॉल कर लेंगे, काम यहाँ लगा है। अच्छा ठीक है, आपको पूछ के कन्फर्म बता दीजिएगा, बाकी परिवार में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं, अभी रेगुलर काम मिल रहा है, इससे बड़ा खुशी और घर पे क्या मिल सकता है। चलिए, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इनको अच्छा लग रहा है, इनकी बात से भी हमको भी अच्छा। हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि हम आपको काम पे आपकी ईमानदारी को देखते हुए रखते हैं, आप जो आज हमको पैसा लौटाने हैं और आपके बात उस दिन में हमको अच्छा लगा, बस इसी सब रीजन है कि आज हम आपको काम पे रखे, नहीं तो भैया हम नया आदमी को कतई मतलब कभी नहीं दे सकते थे 10,000-11,000 खिला पिला के, हमको ओवरऑल 15,000-16,000 रुपए पड़ जाएगा, समझ रहे? तो आपसे रिक्वेस्ट है, यही सब मर रहा है डेली का डेली, यही सब है। आप एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, डेली एक्सीडेंट होने का रीजन ये, इस पे इतना तेज गाड़ी चल रहा है, इतना तेज, इसका कोई हिसाब नहीं। अब बोल रहे हैं कि बस आप ईमानदारी से काम कीजिएगा, जो निष्ठा आप अपने उस काम के लिए दिखा रहे वो निष्ठा इस काम के लिए दिखाइएगा, आप बहुत सब कुछ कीजिएगा और बहुत कुछ सीखने का आपको भी मिलेगा, आपसे हमको भी मिलेगा। जा रहे हैं, लेट हो रहा है भैया, तो भैया जा रहे हैं काम पे, इनको लेट हो रहा है। ठीक है भैया, कल 10 बजे। तो चले गए, बस उनका ईमानदारी और उनका नेचर इतना बिहेवियर लॉयल है ना, मतलब आपको क्या बताएं, इस प्रकार का इंसान हम देखे हैं नहीं, यही बोलेंगे, बहुत कम देखे हैं, इसलिए काम पे रखे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, धोखा देते हैं कि साथ देते हैं। कल आते हैं तो उसका भी ब्लॉग डालेंगे, और अभी ब्लॉग तो कंटिन्यू है तो चैनल पर बने रहिएगा। देखिए मतलब आंख बंद कीजिए, बात बात पे डिस्टर्ब करवा रहा है लोग, आंख बंद कीजिए, और गाड़ी इस प्रकार से पार हो रहा है और डेली एक्सीडेंट हो रहा है, हम वो भी डाल दे रहे हैं चैनल पे कि किस प्रकार से एक्सीडेंट हो रहा है। तो रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि थोड़ा सा धीरे जाए, अपनी लाइफ का भी सेफ्टी रखे और दूसरों का भी लाइफ का सेफ्टी रखे, कहना यही है। जैसा कि हम एक्सीडेंट का मुद्दा बोल रहे थे, तो एक्सीडेंट काफी हो रहा है, उसको साइड में रखते हैं अब, उसको साइड में नहीं ध्यान में रखते हैं अब, और बोलना ये है कि
आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि काफी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, मेरे चैनल पे व्यूज नहीं जा रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बनाएंगे तो जरूर। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए। और कैसा लगेगा मेरा, कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। इससे थोड़ा सा पता चलता है कहाँ पे कौन गलती कर रहे हैं, और आप लोग कुछ का फीडबैक देते और दिखाइए। गश्ती का गाड़ी आया, थाना प्रशासन भी तैनात है राजीव नगर में। बस कर तो अब अटल पथ पे थाना भी काफी तैनात है, काफी ज्यादा है। इस पे भी चोरी चकारी बढ़ गया था रेटिंग, दिखाए थे वीडियो, मेरे शटर को काटने का कोशिश किया था, तो हम लोग कंप्लेन भी किए थे जाके। देखे इस आगे का आप लोग जोड़ लीजिएगा, कितना गंदा गाड़ी चलाया है। तो रिक्वेस्ट है आप लोग नहीं चलाएगा, नहीं तो यही निकलेगा। बाकी जो सोचना होगा सोच लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थ्री इडियट नाम रखे ले हैं, ऐसा ही नहीं। तो बस रिक्वेस्ट है कि थोड़ा धीरे जाइएगा, वो सब मजाक का बात था, लाइफ सेफ रहेगा। और चैनल को प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, कि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे प्लीज़। और जय हिंद।